नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौकस। अज्ञात वाहन ने ली एक जान। उत्तर प्रदेश के बांदा में आज फिर एक बार रफ्तार के कहर ने एक जान ले ली। रोड क्रॉस कर रही महिला को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसके चलते मौके पर ही महिला की मौत हो गई। घटना के बाद से गुस्साए ग्रामीणों ने झांसी मिर्जापुर हाईवे पर जाम लगा दिया। जैसे ही मामले की जानकारी स्थानीय पुलिस व प्रशासन को लगी तो मौके पर पहुंच करके मामले का संज्ञान में लेते हुए जाम खुलवाने का काम किया। आपको बता दें कि पूरा मामला बांदा जनपद के गिरवा थाना क्षेत्र के महुआ गांव का है, जहां आज सुबह तेज रफ्तार चरपहिया वाहन ने महिला को टक्कर मार दी, जिसके चलते महिला की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने जानकारी देते हुए बताया कि आज सुबह ये घर से निकल करके रोड क्रॉस कर रही थी, तभी अचानक पीछे से आ रही चरपहिया ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। जैसे ही घटना की जानकारी ग्रामीणों को लगी तो तत्काल गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर उतर करके झांसी मिर्जापुर रोड जाम लगा दिया। घंटों जाम के बाद जब घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस व प्रशासन को लगी तो मौके पर पहुंच करके मामले की जांच की, और काफी मशक्कत करने के बाद पुलिस ने ग्रामीणों को समझा बुझा करके जाम खुलवाने का काम किया। वहीं जानकारी देते हुए उप जिलाधिकारी ने बताया कि आज सूचना मिली है कि महुआ गांव के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से एक महिला की मौत हो गई है, जिसके बाद ग्रामीणों ने जाम लगा दिया। जैसे ही हम लोगों को जानकारी मिली तो मौके पर पहुंच करके ग्रामीणों को समझा बुझा करके जाम खुलवाया गया और मृतक परिवार को आर्थिक मदद दिलाने का भी प्रयास किया जाएगा। खबर जगत के लिए बांदा से दिल्ली जैन की रिपोर्ट। ब्लॉक में पार्वती पत्नी जागेश्वर नाम की एक महिला थी, जो है राशन की दुकान पे गई थी राशन लेने। संजो दुर्भाग्य से किसी बोलेरो से इसकी टक्कर हो गई और उसकी मृत्यु हो गई है। उसी मृत्यु के संबंध में लोगों द्वारा यहाँ रोका गया था, मेरे द्वारा जाम खुलवा दिया गया, लाश को पोस्टमार्टम करा के उनके लिए भेज दिया गया और अज्ञात वाहन के खिलाफ FIR किया।